हेलो दोस्तों एंड स्टूडेंट्स, आज के वीडियो ऑन डिमांड वीडियो है। ऑन डिमांड वीडियो मींस किसी बच्चे ने क्वेश्चन मुझसे पूछा है। कोई बच्चा जब कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से, तो वो ऑन डिमांड वीडियो कहलाता है। उस पर हम लोग वीडियो बनाते हैं, यानी कि कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है उस पर अगर हम वीडियो बनाते हैं तो उसे हम लोग ऑन डिमांड वीडियो कहते हैं। तो आज का ये ऑन डिमांड वीडियो जो है, ये क्वेश्चन सांख्यिकी का क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है जलंधर शहर से, पंजाब से, आकाश ने। तो आकाश बेटे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाया है। यानी कि जो बच्चे मुझे पर्सनली क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्सएप से, तो उनके डिमांड पर मैं ये वीडियो बनाया। तो ये वीडियो, आज का वीडियो आकाश की डिमांड पर बनाया गया है। आकाश ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा है, तो ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है एक्चुअली में। और सांख्यिकी वाला चैप्टर मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, उसको मैं विस्तार से, जब वो स्टार्ट चैप्टर हो जाएगा तो उसमें मैं विस्तार से बताऊंगा। तो फिलहाल जो है, इस क्वेश्चन के आधार पे ही मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मैंने ऑन डिमांड वीडियो लिखा है। तो प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। और ये टेबल बनाई गई है, और इस टेबल में एक तरफ वर्ग लिखा हुआ है, एक तरफ बारंबारता लिखी हुई है। वर्ग में लिखा हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और 100 से 120, और बारंबारता में 20, 35, 52, 44, 38, 31। तो ये सारा सिस्टम आपके यहाँ पर दे रखा है। इस सवाल को, इसका आंसर निकालने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि सांख्यिकी में माध्य, बहुलक या जो और भी आप चीज़ें निकालते हैं, उनको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, और जितने तरीके होते हैं उनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको इसी क्वेश्चन को लेकर के, इसी क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखा हुआ है, 2, 4, 6, 8 और 12, 16, ये मैंने कुछ यहाँ पर कुछ डाटा लिखे, कुछ आंकड़े लिखे हैं। ठीक है, ये कुछ आंकड़े मेरे पास हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंकड़े मेरे पास हैं, जिनमें कि आंकड़ों में पहला आंकड़ा 2 है, दूसरा 4 है, 6 है, 8, ये ढंग से हमारे पास आंकड़े हैं, 6 आंकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठवां आंकड़ा हमारे पास 16 है। तो एक आंकड़ा ये है और एक आंकड़ा ये है, दोनों में अंतर है। कैसे? सिंपल, मैं दो लाइन में समझाऊंगा। इस तरह के आंकड़ों को हम बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, यानी कि नॉन क्लासिफाइड, नॉन क्लासिफाइड डाटा, ये नॉन क्लासिफाइड डाटा है। और यहीं पर इसी की जगह का माना, अगर लिखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस ढंग से कहीं पर लिखा हुआ है, इसको टेबलर फॉर्म में दिया गया है। टेबलर फॉर्म में नहीं भी दिया गया तो चलेगा, लेकिन अगर इस ढंग से लिखा गया है तो इस तरह के आंकड़ों को हम बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। क्या बोलते हैं भाई? वर्गीकृत आंकड़े, यानी कि क्लासिफाइड, क्लासिफाइड डाटा। तो ये दो, ये पहले दो चीजें मेन आपको याद रखनी, एक है अवर्गीकृत, एक है वर्गीकृत, एक है नॉन क्लासिफाइड, एक है क्लासिफाइड डाटा। तो आप देख सकते हैं कि आपके सवाल में इस तरह का दिया गया, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, तो ये आंकड़े आपके पास क्या है? वर्गीकृत आंकड़े, यानी कि क्लासिफाइड डाटा। तो ये आपको शायद दिख रहा हो, ये है वर्गीकृत आंकड़े, क्लासिफाइड डाटा। तो आपका जो सवाल है वो है वर्गीकृत आंकड़े से रिलेटेड, यानी कि क्लासिफाइड डाटा से रिलेटेड। तो आप लोग निकाल रहे हैं माध्य, आपने क्या निकालना है? इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सिंपल सी बात है, इसका एक फॉर्मूला होगा, मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर माध्य यानी कि मीडियन निकालने के लिए आपका पास एक फॉर्मूला है। अगर माध्य निकालना है, यानी कि एम, इसको मीडियन बोलते हैं, इसके मीडियन का अगर फॉर्मूला सिंपल से है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसका मतलब होता है, सिग्मा का मीनिंग हो गया जोड़, एफ एक्स का मीनिंग हो गया एफ और एक्स का गुणा, सिग्मा का मीन अगेन जोड़, और एफ का मीन्स बारंबारता। ये बारंबारता आपकी एफ है, ठीक है, और एक्स आपको निकालना है, एफ आपको दिया गया इसमें। अब ये वर्ग अलग चीज है, यहां पर इस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, जिस जो चीज फॉर्मूले में वो हमने यहां से निकालना है। तो एफ एक्स का मीनिंग हो गया एफ और एक्स का गुणा, और उसके बाद उसका जोड़,
और सिग्मा एफ का मीनिंग हो गया बारंबारताओं का जोड़, यानी कि 20 35 52 44 38 31 का जोड़। ये अब निकालना है, तो पहले हम यहां पर निकालेंगे, हमारा काम है पहले यहां पर एक्स निकालना, ये मेन चीज होती है। एफ क्योंकि दे रखा है आपको, सिर्फ एक्स निकाला, वो एक्स निकलेगा आपका यहां से, यहां से एक्स निकलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो आप ये देखिए, आपके सामने मैंने उत्तर मैं लिख रहा हूं, इस ढंग से आपको करना है। आपको कि मीडियन निकालना है, माध्य निकालना है, तो एक तरफ में आप इस वर्ग लिखना है 0 से 20। ठीक है, जो ऊपर वाला था बारंबार तो आपको दे रखिए 20 35 52 44 38, इस ढंग से लिखना है। ठीक है, वर्ग अंतराल जो मैं एक्स की बात कर रहा था ना, वर्ग फॉर्मूले में आपके पास, आपको मैंने बताया था कि जो मीडियन का फॉर्मूला होगा वो एम बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स ऑब्लिक सिग्मा एफ, यानी कि बटे सिग्मा एफ। तो एफ एक्स जो ये x है, यही x आपका क्या है, वर्ग अंतराल है, यानी कि वर्गों के बीच का अंतर, वो कहलाता है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल निकालेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां पर आप देख रहे हैं आपके पास है 0 से 20, आपके पास है 0 से 20, तो 0 और 20 को जोड़ दीजिए, 20 आया, 0 में 20 जोड़िए तो 20 है, और 20 का आधा कर दीजिए 10, 20 का आधा कितना होता है 10, तो इस और इस वर्ग का जो अंतराल आए वो 10 आए। इसी ढंग से आप 20 और 40 को जोड़ दीजिए, 20 और 40 हुआ कितना 60, और 60 का आधा कितना हुआ 30। अब आपको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप देखिए एक समान अंतर आपको दिखाई दे रहा है क्या, 0 से 20, 20 में 20 जोड़ा 40, में 20 जोड़ा 60, में 20 जोड़ा 80, में 20 जोड़ा 100, में 20 जोड़ा 120, अंतर कितने का सब में 20 का। तो यहाँ भी आप 20 अंतर जोड़ते जाइए, इसमें 10 में 20 जोड़ो 30, 30 में 20 जोड़ो 50, में 20 जोड़ो 70, मैं 20 जोड़ो 90, मैं 20 जोड़ो 110, भाई यहीं तक है। अब वैसे भी अगर आप देखिए, आप इन दोनों को जोड़ेंगे 60 और 40 को 100 करेंगे, और 100 का आधा होता है 50, यहाँ भी ऐसे करेंगे 80 और 60 को जोड़ेंगे 140, और 140 का आधा होता है 70। तो ये सबको जोड़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस जितना अंतर यहाँ पर सेम अंतर होना चाहिए। अगर अंतर में, अगर यहाँ पर अंतर में भी अगर अंतर आ रहा है तो फिर ये रूल यहाँ पर नहीं लगेगा, सेम अंतर यहाँ तक होना चाहिए, 20 20 20 20, 10 10 10 10 10, 30 30 30 30 30, इस ढंग का अंतर होना चाहिए, तो वही आप यहाँ पर जोड़ते जाओ। यहाँ पर 20 का अंतर था तो 20 10 30 20 50 20 70 20 90 20 110, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब आपको सूत्र में देखिए, आपको क्या आपको एफ एक्स का गुणा भी चाहिए, तो यानी कि आपको ये एफ एक्स एक कॉलम आप एफ और एक्स का गुणा कर रहे हैं, तो एफ और एक्स का गुणा कर दीजिए, 20 दशमलव 100 कर दीजिए, ये 100 हो गया, इसको गुणा कीजिए आप, ये होगा आपका 3 5 15, 1 3 3 9 1 10। ठीक है, ये आपको हो गया 5 2 10, और 5 5 25 1 26। ठीक है, ये आपका 0 हो गया, मैं इसको आप एक साथ गुणा करके आप अलग से रख रहा हूँ, आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इनको गुणा कर दिया, अलग से मैंने गुणा कर रख दिया इसको, यहाँ पर आप देख लेना अपने हिसाब से गुणा करके रखना है। ठीक है, अब आप देखिए सूत्र में आपको एक सिग्मा एफ भी चाहिए, तो सिग्मा एफ माने सिग्मा एफ, एफ वालों का जोड़, तो एफ का जोड़ है, ये एफ है तो इन सब का जोड़ ही जाएगा, इनको जोड़ेंगे आप तो इनको जोड़ कर आएगा यहाँ पर, आप देखिए सिग्मा एफ बराबर आपके पास आएगा 220, इसको आप जोड़ कर देख सकते हैं 220 आएगा। इसका जोड़ करने की जरूरत देखिए कि सूत्र में सिग्मा एक्स कहीं भी नहीं है, सिग्मा एफ एक्स है, यानी कि एफ एक्स के गुणनफल का जोड़, तो एफ एक्स का गुणनफल ये आ रहा, तो इनका जोड़, तो इन सब को मैं यहाँ पर जोड़ के यहाँ पर रख दूंगा मैं क्या, सिग्मा एफ एक्स, तो ये बराबर कितना होता है, ये जोड़ मैं आप यहाँ पर दिखा देता हूँ कितना आ रहा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एफ एक्स का जोड़, यानी कि सिग्मा एफ एक्स मैंने अलग से जोड़ कर दिया है, तो ये जोड़ आएगा 13660 सिग्मा एफ एक्स का मान आया। आपने करने क्या है, ये आपके पास मान आ गया, तो एम बराबर आपने लिखना है सिग्मा एफ एक्स की जगह, इसकी जगह आपने ये मान रखना है 13660 बटे सिग्मा एफ, ये जो सिग्मा एफ है इसकी जगह रखना है 220। ठीक है, तो ये इसको आप काट दीजिए, तो ये आपका आएगा 1366 बटे 22, ये साइड कटेगा आपका 11 2 22, और ये 2 6 12 2 8 16 2 3 6 बटे 11, ये आपका आ गया 68 3/11, तो इसको आप कर सकते हो 11 6 66, तो 11 2 22 09, तो ये लगभग लगभग आपका जो इसका मेडियन यानी कि जो माध्य आएगा वो आपका आएगा 62.09। ये आपका इसका इस क्वेश्चन का आंसर आया कितना 62.09। निम्न इन आंकड़ों का जो माध्य आया वो आया आपका 62.09।
जीरो लो, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं माध्य बराबर आया 1200.09। ये आपका सही आंसर हो गया। तो आकाश बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा कैसे करना है। एक नज़र आप मार सकते हैं, चाहे तो वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं या बार बार रिपीट करके इसको आप देख सकते हैं। ठीक है आकाश बेटे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा। मेरे अन्य बच्चों से भी आग्रह है कि उनको अगर किसी प्रश्न में अगर दिक्कत आ रही है, कोई अगर प्रॉब्लम है, समस्या है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आप बच्चों को इस तरह से ऑन डिमांड वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो आगे बेटा ये आप ये सवाल जो अभी किया है अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सकें कि ये सवाल कैसे सॉल्व किया है। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की, अगर इसमें कोई आपको कोई गलती नज़र आती है, कोई त्रुटि नज़र आती है तो वेरी वेलकम, आप मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक है, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पूरी मदद कर सकूँ, पर अगर कोई दिक्कत हो तो आप फिर दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे मैं रोज़ बोलता हूँ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि देखो सामने लाल घेरे में रेड सर्कल में, इसी तरह से आप ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मेरा हमेशा वीडियो के अंत में दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।